हुआ और फिर एक लड़के और लड़की पर कार चढ़ा दी गई जिसमें एक लड़की की मौत हो चुकी है, क्या कहेंगे? एक आप बात आप मानकर चलना, राजस्थान की राजधानी जयपुर में और पूरे देश में जब चुनाव हुए, विधानसभा के राजस्थान में जब चुनाव हुए, तब बीजेपी ने मुद्दा बनाया कानून व्यवस्था को। झूठ फरेब और धोखे के आधार पर बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आ गई, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर मंदिर मस्जिद मजार सब बना दिए और कह दिया कि मस्जिद और मजारे बन रही है। कहां बन रही थी? अब बीजेपी वालों को शर्म नहीं आ रही? कल राजधानी जयपुर में सरेआम एक लड़की को कुचलकर मार दिया, ये आपकी कानूनी व्यवस्था है? सुबह 5 बजे शराब पीकर लोग गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, एक लड़की को कुचलकर मार रहे हैं और राजस्थान की सरकार हेलीकॉप्टर में घूम रही है। हनीमून इनका खत्म नहीं हो रहा सरकार का, इनके 25 दिन से ज्यादा हो गए सरकार को। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, करप्शन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहां है बीजेपी की सरकार? कहां है बीजेपी के नेता? बीजेपी राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे भाई साहब, हम हार गए चुनाव, हमने हार स्वीकार कर ली, और लेकिन सरकार में हम तो है नहीं, हम हार गए, हमको आपने घर पे बैठा दिया, लेकिन आप कम से कम आपका धर्म तो निभाइए। आपका धर्म है लोगों की सुरक्षा करने का। कल बड़ी घटना हो गई वैशाली नगर में, चित्रकूट थाने के अंडर में, एक महिला जो टीचर है उसको 1-1.5 मिनट तक घसीटते रहे लोग उसकी चैन तोड़ने के लिए, 2 लोग, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप अभी तक जो कुचलकर मार रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, आपको फुर्सत ही नहीं है। आप अपना स्वागत करवा रहे हैं, माला पहन रहे हैं, तो माड़ाएं पहनने में शर्म नहीं आ रही बीजेपी के नेताओं को जो सरकार में आ गए उनको? अरे आप अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे, मंत्रिमंडल बने या नहीं बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। और आप लोगों से जवाब मांगा करते थे, आप इस तरह लोगों को कुचल कर नहीं मार सकते। ये राजस्थान की बेटी की हत्या हुई है और कुचल कर मारा गया उसको, बहुत बड़ा अपराध है। आप कर क्या रहे? जवाब दो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान जवाब मांग रहा है, कहां है आपकी कानून व्यवस्था? इस तरह से राजधानी जयपुर में होगा, लोगों की आंख में आंसू है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार कुछ करके दिखाएगी। और आप अपना